अस्सलाम वालेकुम। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, बहुत खुशराबाद रहें। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत खुश होगी, जहाँ भी होगी बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये जो वीलॉग है इसमें मैं आपको सारा जो है वो सिचुएशन दिखा रही हूँ। आज का वीलॉग भी बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन लास्ट टाइम की तरह मैंने अपना वीलॉग जो है 20 मिनट का व्लॉग था जो मैंने रिकॉर्ड किया था, और ऑब्वियसली उसको शॉर्ट करके मैंने 10 मिनट्स का करना था, लेकिन मैंने और इसको शॉर्ट करके जो है वो मैंने ऑलमोस्ट 5 मिनट्स का किया है, क्योंकि आप लोग देखते नहीं हैं और लाइक करना तो बिल्कुल भूल जाते हैं। अगर अभी तक आप मेरे व्लॉग में हैं तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद है। तो यहाँ का जो किचन की सिचुएशन है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन इससे पहले आपको बता दूँ कि आज के व्लॉग में भी मैं अपनी प्यारे से यूट्यूब फैमिली, प्यारे से सब्सक्राइबर्स जो कि लास्ट व्लॉग में उन्होंने मेरा देखा और पसंद किया और जिन्होंने कॉमेंट्स किए, सबके नाम तो मैं नहीं ले सकती, इसलिए 2 से 3 जो नाम है वो मैं इंशाल्लाह ज़रूर लूँगी। और व्लॉग को पूरा देखिएगा, इंशाल्लाह आपके साथ मैं नाम ज़रूर शेयर करूँगी जिन्होंने मेरे लास्ट व्लॉग पे कमेंट किया और मेरे व्लॉग को पसंद किया। और यहाँ पर जी इशाल जो है वो आ रही थी कि मुझे नूडल्स दे दें। असल में जो है मैं खाना बना रही थी, खाना नहीं है इफ्तारी बना रही थी, जो कि मुझे था कि मैं अपनी बिल्डिंग में जहाँ पर सबको जो है सबको तो नहीं, जिन जिन घरों को मैं जानती हूँ, 3 से 4 घर थे जिनको मैं जानती थी और जहाँ पर आना जाना है, और वहाँ पर जो है मैंने सोचा कि मैं इफ्तार बना के वो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ। बस उसी की मैं तैयारी कर रही हूँ। और एक जो घर था उसमें से वो लोग जो हैं वो घर में नहीं थे, उनसे मैंने पहले पूछ लिया था सो दैट जो है वो मैं ये ना हो कि मैं जाऊँ तो वो लोग अवेलेबल ना हो, तो इसलिए इस मुश्किल से बचने के लिए मैंने पहले ही सबसे पूछ लिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो सारी चीज़ें बस रेडी हो गई थी, और मेरे हस्बैंड भी लेट आए थे, ऑलमोस्ट 6 बज गए थे। और बस अब मैं जल्दी से जो है वो सारे जो चीज़ें मैंने बनाए थे, इसमें मैंने स्पगेटीज़ बनाई थी। स्टार्टिंग में मैंने आपको सारी जो किचन की सिचुएशन थी वो दिखाई थी। जब किचन में बहुत ज़्यादा कुकिंग हो रही होती है ना, तो इसी तरह से सारा जो है वो मेस क्रिएट होता है। तो यहाँ पर मैंने ना नूडल्स जो थोड़े से स्पगेटीज़ थे वो मैंने थोड़े से निकाल लिए थे ताकि जो है ना वो ईसा को दे दूँ। तो रेसिपीज़ ऑलमोस्ट मैंने सभी आपके साथ शेयर की हुई हैं। जो मैंने समोसा, रोल वगैरह सब बनाकर फ्रीज़ किए थे वो भी आपके साथ रेसिपी शेयर की थी। लास्ट व्लॉग में जो दही बड़े होते हैं उसकी रेसिपी शेयर की थी। ये वाला जो दही बड़े थे इसमें मैंने चने और आलू भी अंदर मिक्स किए थे, और जितना भी सैलेड था वो तो अब मैंने जो है वो 3 के हिसाब से जो है वो 3 जो है वो बॉक्स बनाए थे, और उसके ऊपर मैंने जो है वो डाल दी थी हरी चटनी। जो चटनी होती है जो मिलती है बॉटल में, ग्रीन चटनी मिलती है, और वो ही मैंने डाली थी क्योंकि दूसरी घर में जो बनाते हैं ना उसका बनाने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। और रोज़ा था अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़्यादा थक गई हुई थी, और एक्स्ट्रा जो ऊपर से मैं सैलेड भी डाल रही थी ताकि जो है ना ये और भी मज़े का लगे। तो इसके ऊपर मैंने जो है ना एंड पर जो है सारे मैंने वो डाल दिए थे। और जो ये समोसा पट्टी होती है ना उसको मैंने फ्राई कर लिया था फुल आंच के ऊपर, और ये बड़ी मज़े की पापड़ी बनती है। मोस्टली आप में से काफ़ी लोगों ने ये जो है वो बनाया होगा, काफ़ी लोगों ने ये चीज़ ट्राई की होगी। ये बहुत मज़े की बनती है और चाट के ऊपर, दही बड़ों पे या चना चाट पे बहुत मज़ा आता है इसका। तो ये बस मैंने बना दिया था। अभी एक्चुअली मैं वीडियो बना रही हूँ लेकिन वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरे मुँह में पानी आ रहा है। तो बस ये वाले जो बॉक्सेस थे, ये वाले जो हैं वो हॉट पैक के बॉक्सेस हैं, ये हमने वेबसाइट से ऑर्डर किए थे। ये काफ़ी रिजनेबल मुझे मिल गए थे। और ये जो डिस्पोजेबल कंटेनर्स होते हैं एलुमिनियम फॉइल के, ये तो हम लोगों ने घर में ऑलमोस्ट ऑल टाइम रखे हुए होते हैं। तो बस इनको मैंने फ़िल किया था। हर बॉक्स में 3 चीज़ें जा रही थी, दही बड़े, और एक बड़ा वाला जो कंटेनर था उसमें मैंने जितने भी समोसे, पकोड़े और ड्राई आइटम्स थे वो रखे थे। एक में दही बड़े थे, एक में स्पगेटीज़ थी, और बस ये बड़ा अच्छा माशाल्लाह जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह एक बॉक्स बन गया था डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो बस यही मेरा आज का व्लॉग था। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अगर आप मेरे को मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। अपना और अपना इर्द गिर्द सबका बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलती हूँ, तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।